अभी हम है भागलपुर के भागलपुर DRCC, ये जो हमारे पीछे आप देख रही है भागलपुर DRCC। अभी हम आपको सभी चीज़ बताएंगे, आपको कैसे आना है, DRCC में क्या कुछ काम होता है, अभी सभी चीज़ दिखाएंगे, काउंटर उंटर। अगर आप KYP के लिए आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होता है, वो सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ से जैसे भागलपुर रेलवे स्टेशन से आप आते हैं तो इस तरह का गेट देखेंगे DRCC का, और इस गेट से आप सीधे जाएंगे तो वो DRCC ही दिख रहा है। सभी लड़का जा रहा है, अभी 2 बजा है, तो अभी देखते हैं कि किस तरह का वहाँ पे काउंटर पे भीड़ है। और दोस्तों, यहीं पे हम बता देते हैं आपको, अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं भागलपुर DRCC तो कैसे आना है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से आपको वहाँ से कोई भी टोटो वाला को बोलना है कि हमको ये भागलपुर DRCC जाना है, मतलब कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट बगल में ही थोड़ा दूर में है, बरारी रोड है, उसी रोड में ये कॉलेज, ये DRCC है। इस तरफ आप देखेंगे कि इस तरफ अब बहुत सारा चीज़ है, और ये कुछ स्टूडेंट वगैरह से बात आए हुए, हाई कर दिए, और देखते हैं चल के आपको, हम भी यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे बताएंगे, कैसे KYP के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, बाकी और भी चीज़। दोस्तों, DRCC में वित्त सचिव आए हुए हैं और यहाँ पे मुआयना ले रहे हैं सभी पे, कहीं कुछ गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं हुए, वही यहाँ पे अभी घूम के देख रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पे गाड़ी उड़ी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आए हुए हैं, फ़ोटो वगैरह सब ले रहे हैं और समझ रहे हैं, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो अभी ही तुरंत वो फाइनल डिसीजन ले लेंगे। इस तरह का DRCC का प्रवेश द्वार है इस तरफ, और यहाँ पे जो है कि पार्किंग है इस तरफ, पार्किंग में गाड़ी उड़ी लगाया गया है। तो ये है DRCC का काउंटर, यहाँ से ही आपको जो है कि KYP के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, मतलब KYP करना चाहते हैं तो यहीं से होगा, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, वो भी हो जाएगा। यहाँ से जो सामने देख रहे हैं काउंटर, वो 21 नंबर, वहाँ पे भी KYP के लिए फॉर्म जमा होता है, और ये 19 नंबर पे फॉर्म पे भी यहाँ पे जमा होता है। बाकी अभी जो है कि समय हो गया है 3 बजने वाला, इसी वजह से थोड़ा सा भीड़ कम है। बाकी इस तरफ जो है आप लोग बैठे देख रहे हैं, इस तरफ कुछ अमीन उमीन के लिए, मतलब कि वो सब तैयारी वगैरह कर रहे हैं, मतलब ये थम्प वगैरह सब हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह का आपको जब है ना आएंगे तो थम्प उम्प देना पड़ेगा, और जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सब आपसे मांगते हैं, और वो सब चेकअप होता है। तो दोस्तों, अब फाइनली हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है, यानी KYP के लिए आप आ रहे हैं या कोई भी काम से, तो मेन आपका कोई क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपको 2 फ़ोटो रंगीन में लेके आना है, उसके बाद आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके आना है, उसके बाद मार्कशीट का भी फोटोकॉपी लेके आना है, अगर आप मैट्रिक से KYP कर रहे हैं या फिर इंटर से कर रहे हैं, तो मैट्रिक इंटर दोनों का फोटोकॉपी लगता है, और अगर जाति है तो जाति का भी फोटोकॉपी लगेगा, निवास का भी फोटोकॉपी लगेगा, बाकी बैंक के पासबुक का फोटोकॉपी मांगता है, ठीक है। तो इतना कुछ जो है मेन डॉक्यूमेंट था हम आपको बता दिए हैं, और इस तरह का काउंटर है, काउंटर पे जो है कि यहाँ पे काम होता है, आपको हम दिखाएं किस तरह से आपको आना है यहाँ पे, और अंदर में क्या काउंटर है, और भी अच्छा से हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। आप देखिए, इस तरह का भी काउंटर है, और काउंटर पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अभी जो है कि KYP चल रहा है, और इस काउंटर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा है। इस तरह के काउंटर में आपको पहले लाइन लगना पड़ता है, अभी तो आदमी नहीं है इसी वजह से यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए कि इस तरह का आपको काउंटर आएंगे और यहाँ पे ही आपका काम होगा। बाकी आपका जब यहाँ से हो जाता है तब आप KYP सेंटर में जहाँ भी होगा वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते। तो जितना भी डॉक्यूमेंट आप लाते हैं फोटोकॉपी करा के, उस सब पे आपको नीचे में अपना नाम यानी साइन करना है और डेट डालना है, यानी कि 2 काम आपको करना है, यही यहाँ पे कर रहा है और यही हमको दिखा रहा है, इसका हो गया है, आप लोग भी इसी तरह से आप कीजिएगा। यहाँ पे जो कार्य है, ये बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही है आर्थिक हल युवाओं का बल, जिसके अंतर्गत 3 योजनाएं हैं जो छात्रों के लिए स्पेशल बिहार सरकार बनाए हैं। वो 3 योजनाएं हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम योजना। इस 3 योजनाओं का कार्य DRCC कार्यालय में होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आप आइएगा तो मियाँ हेल्प यू है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप जो है सो संपर्क करके और आप जितनी भी जानकारी हो यहाँ से ले सकते हैं। यह जानकारी लेने के बाद आपको यहाँ से जो है सो टोकन इशू किया जाएगा, वो टोकन लेने के बाद आप बगल में जो है सो काउंटर बनाया गया है,
एक से लेकर के 24 तक काउंटर बनाया गया है। तो आपको यहाँ से काउंटर अलॉट कर दिया जाएगा, आप काउंटर पे जा करके अपना कागजात दिखा करके वहाँ पे आवेदन सत्यापन करा सकते हैं। अगर KYP करने आ रहे हैं तो आपको आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। चार पेपर आपके पास ओरिजिनल, चारों का फोटो कॉपी, साथ में एक फ़ोटो और साथ में आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आवेदन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की भी सुविधा है। अच्छा। इसमें आपको क्या है कि मोबाइल पे एक OTP जाता है नंबर पे, और साथ ही जीमेल भी लगता है जिसपे भी एक OTP जाता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन रहेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में ईजी होगी, अन्यथा अगर आपके पास छोटा मोबाइल भी है तो भी यहाँ पर ईमेल ID बनवा के रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्रक्रिया है जो आप यहाँ पर मियाँ हेल्पी पाइए, टोकन इशू करवाइए। टोकन इशू करवाने के बाद आपको काउंटर अलॉट कर दिया जाएगा, काउंटर से आप सारा डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो वहाँ पर आपका कागजात सत्यापन करके आपको एक पावती रसीद दे दिया जाएगा। वो पावती रसीद लेकर के आपके नियरेस्ट, आपके घर के नज़दीक या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे जो भी आपके नज़दीक में KYP सेंटर है वहाँ से जा करके आप निःशुल्क क्लास कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम आपको डायरेक्ट काउंटर पे लेके आ गए यहाँ पे कि सर से यहाँ से डायरेक्ट हम बातचीत करके आपको बताने वाले हैं। तो सर, इस काउंटर पर क्या क्या होता है? यहाँ पे वेरिफिकेशन का काम होता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग, KYP और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का वेरिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, और यहाँ पे लगभग कितना काउंटर है? 23। यहाँ पे 23 काउंटर हैं। और सब पे अलग अलग काम होता है, क्या क्या काम होता है? और यही काम होता है, वेरिफिकेशन कुछ काउंटर पे होता है, कुछ पे ऑनलाइन होता है। अच्छा। दो ही काम यहाँ से होता है, यही तीनों योजनाओं का, ऑनलाइन और वेरिफिकेशन यहाँ का काम है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट सब चेकबुक वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, आप लोग जब आते हैं तो इस तरह के काउंटर पे बाकी सब काम वहाँ से क्लियर हो जाता है। इस तरह का देख रहे हैं कि जो है अमीन सब का वो वैकेंसी निकला है तो उसी सब का प्रिपरेशन कर रहा है, उसी सब को बता रहा है कैसे अमीन में क्या कुछ काम करना होता है। तो DRCC के अंतर यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम भागलपुर, यहाँ पे जो है किस काउंटर में क्या कुछ काम होता है यहाँ से सर से हम जानते हैं। यहाँ पे सर बताएंगे, बताइए। हमारा ऑफिस है बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम। इसमें जो होता है कि विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया की लोन की राशि लेती है तो उसको क्या है कि यहाँ से उनका सैंक्शन और डिसबर्समेंट का कार्य किया जाता है। और यहाँ पे जो है कि DRCC के अंदर आप लोग नहीं आते? DRCC के कैंपस में ही हम लोग हैं, बिहार शिक्षा वित्त निगम है जिसके माध्यम से 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिया जाता है। तो सबसे पहले है कि फॉर्म अप्लाई करिए, काउंटर से फॉर्म भराता है DRCC से ही, और वहाँ से सेंशन होने के बाद हम लोग लोन को डिस्पर्स कर देते हैं। कितना समय लगता है अगर कोई स्टूडेंट को लोन चाहिए तो उसको मिलने में? इसका प्रोसेस है 1 महीने के अंदर ही हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है किस तरह का आपको लोन मिलता है अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे। DRCC के बगल में जो है कि पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए यहाँ पे सेंटर खुला है, यहीं से आपका जो है कि सुधार होगा। बाकी आप अगर आधार कार्ड से बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, ये सब है यहाँ पे कक्ष। और अगर आपको मैनेजर से काम है तो इस तरफ देखिए, वहाँ पे लिखा है मैनेजर, वो मैनेजर का रूम हो गया, और प्रोजेक्ट अकाउंट ये हो गया मतलब उसका रूम, और जिला योजना पदाधिकारी यहाँ पे बैठते हैं इस रूम में। मतलब कि सब का यहाँ पे जो है कि अपना अपना काउंटर है, रूम है। हम आपको दिखा रहे हैं DRCC में, अगर आप आते हैं अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको सारा चीज़ हम आपको दिखा दिए। कैंटीन भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने में कैंटीन है, और इस तरह से वहाँ पे शौचालय है, और उस तरफ कुछ पार्टी वगैरह चला होगा तो वहीं पे कुछ हुआ है। तो DRCC से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आई होप सभी चीज़ हम आपको दे दिए, आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।